खबर यूपी के जनपद संभल से है, जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मी चंदौसी के बंदायू चुंगी पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल पुलिस कर्मी ने रोकी। बाइक रोकने पर गुस्से में आए मुल्ला जी बोले, अगली बार बाइक रोकी तो लेकर आऊंगा चाकू और पेट में घुसा दूंगा। जनपद संभल के चंदौसी क्षेत्र में कल दोपहर 12:30 बजे के आसपास ट्रैफिक अभियान के तहत एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहा था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका गया, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे और किसी पर भी हेलमेट नहीं था। एक व्यक्ति जिसका नाम रईस अहमद है, उसने पुलिस कांस्टेबल के साथ बदतमीजी भी की है और उसके बाद उसको चाकू घुसाने की भी धमकी दी। इसके वीडियो सामने आने पर कांस्टेबल ने थाने पर जाकर तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। रहीम अहमद को गिरफ्तार करने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। ट्रैफिक पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक के रूल तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजकार्य में बाधा डालने पर इन दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और आज कल अगर गाड़ी रोक ली ना, तो छोड़ा लगा कर लाऊंगा पेड़ में उतर लूंगा। अगर आज कल गाड़ी रोक ली तो चलो भाई जाओ। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में कल दोपहर में 12:30 बजे के आसपास ट्रैफिक से रिलेटेड अभियान के तहत एक ट्रैफिक का कांस्टेबल अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहा था। उसी समय उसने एक बाइक पर सवार दो लोग, उन लोगों को रोका जो बिना हेलमेट के और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक को चला रहे थे। रोकने पर एक रईस अहमद नामक व्यक्ति, जिसने उतरकर उसके साथ में ट्रैफिक कांस्टेबल है, उसके साथ बदतमीजी भी की और उसके बाद में उसको छुरा घोंपने की भी धमकी दी। इसका वीडियो सामने आने पर कांस्टेबल द्वारा थाने पे जाके एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो 443/24 जिसमें 121, 132 और 351 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया है, एवं रईस अहमद को बाद में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि यह ट्रैफिक का पखवाड़ा, जिसमें सभी लोगों को जागरूक करके और जो लोग ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया है, जिसमें पूरे संभल जनपद में मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। इस तरह राजकार्य में बाधा डालने वाले रईस अहमद एवं उनके एक अन्य साथी, इन दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको जेल भेजा जाए।